कोई ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कोई ईसा मसीह दिखाए हुए रास्ते से चलते हैं, जरूर वे अपने जीवन में ईसा मसीह का अनुभव को, ईश्वरीय अनुभव को अपनाएगा। बाइबल के पन्नों को पलटने से हमें मालूम है कि जो कोई ईश्वर पर विश्वास किए हैं, जो कोई ईश्वर पर भरोसा रखे हैं, वे सब ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में महसूस किया है। इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास किया और ईश्वर ने इब्राहिम से बताया कि मैं तुम्हें एक जनता का पिता बना दूंगा। इब्राहिम को 30 साल इंतजार करना पड़ा एक बच्चे को मिलने के लिए। ईश्वरीय बुलावा, ईश्वरीय वादा स्वीकार करने के बाद 30 साल तक इब्राहिम को ईश्वरीय जो वादा है अपने जीवन में पूरी होने के लिए इंतजार करना पड़ा। जब इब्राहिम 100 उम्र का था तब एक बच्चा मिला है। उस खुशी के अवसर पर, उस खुशी के माहौल पर ईश्वर फिर से इब्राहिम से कहते हैं, तुम्हारा पहलौठा बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इब्राहिम अपने पहलौठे बेटे को ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए तैयार हो गया है कि इब्राहिम को ईश्वर पर विश्वास किया और वह विश्वास के कारण आज इब्राहिम विश्वास में हमारा पिता बन गया है। हम पुराने विधान में योब को देखते हैं। योब के जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक एक करके ईश्वर ने उनके जीवन से वापस ले लिया और आखिरी में योब को कुष्ठ रोग पकड़ लिया। उसी अवस्था पर उसके प्रियतम पत्नी आकर उससे कहते हैं, योब से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास जो ईश्वर पर है उस विश्वास छोड़ो, उस विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में ऐसा दुख संकट हो रहे हैं। लेकिन योब ने विश्वास के साथ किए बताया है कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया करके पुकारते हुए योब को ईश्वर पर जो विश्वास था वह विश्वास प्रकट करने के लिए तैयार हो गया है। और हम देखते हैं कि ईश्वर सब कुछ दुगुना करके योब को वापस देते हैं। जब हम नया विधान की ओर देते हैं, वहां हम देखते हैं माता मरियम को। माता मरियम एक कुंवारी थी और उसी अवस्था पर स्वर्ग का दूत आकर माता मरियम से कहते हैं कि तुम गर्भवती होंगे और एक पुत्र को जन्म लेंगे और तुम्हारा गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा होगा। यहूदियों के विश्वास के अनुसार अगर शादी के पहले गर्भवती हो गई है तो वह स्त्री को पत्रों से मार डाला जाता था। माता मरियम को मालूम था कि अगर मैं गर्भवती हो जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, माता मरियम ने ईश्वर पर विश्वास किया, स्वर्ग दिया गया वह संदेश को अपनाते हुए वह संदेश को हाँ कहने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए माता मरियम हम सबों का माँ बन गई है, ईसा मसीह का माँ बन गई है। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें भी ईश्वर पर, त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमारे दुख के समय, परेशानियों के वक्त, रोग के अवसर पर ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाना नहीं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाया है, वह योजना तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारे सत्यनाश के लिए नहीं है। और ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मेरे हाथों से बनाया है, तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश्वर ने हम सबों को बनाया है। ईश्वर जैसे चाहते हैं वैसे ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हम ईश्वर के दृष्टि में मूल्यवान है। हम आज के पूजा बलिदान में विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वरीय अनुभव से हमारे जिंदगी को भरने के लिए, ईश्वर को अपनाते हुए, त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते हुए इस धरती पर जीने की कृपा मिलने के लिए हम विशेष रूप से आज के पूजा बलिदान में प्रार्थना करें। और दूसरा संदेश है कि हमें ईश्वर को प्यार करना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं तो जरूर हम ईश्वर को प्यार करेंगे। विश्वास नहीं है तो प्यार नहीं है।
पति पत्नी के बीच में विश्वास है और वे दोनों प्यार करते हैं, आपस में भरोसा करते हैं। हमें हम बच्चे लोगों को देखा है, किसी मेला के लिए जाते समय बच्चे लोग खुश है, जितना भी लोग रहे वे खुश है, इधर उधर देखते हुए पूरा अच्छी तरीके से देखते हुए उन लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि हमारे साथ हमारा माता पिता है, हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वह विश्वास, वह भरोसा मेरे प्यारे भाइयों हमें भी ईश्वर पर होना चाहिए। एक छोटा सा कहानी इस प्रकार है। एक दिन एक व्यक्ति ने एक नदी था, नदी के दोनों साइड में एक रस्सी बांध लिया और वह रस्सी से नदी के उस साइड से दूसरा साइड रस्सी से चल रहा था। तो लोगों ने देखा, देखकर बहुत खुश हो गया है क्योंकि वह रस्सी से नदी पार कर रहे हैं। तो लोगों ने तालियां बजाया, उनको अभिनंदन किया और कुछ समय के बाद वह व्यक्ति ने पूछा है, देखो मैं इस रस्सी से इधर उधर चल रहे हैं, क्या आप में से कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? वहाँ इकट्ठे हुए लोग सब मिलकर कहा है कि नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, वह लड़की ने कहा है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह लड़की उसके कंधों पर बैठ गया और वह व्यक्ति ने रस्सी से फिर से चलना शुरू कर दिया है। कुछ समय के बाद वह लड़की से पूछा है, तुम्हें उसके कंधों पर बैठने की ताकत कहाँ से मिला है? तो वह लड़की ने बताया है कि वह मेरा पिताजी है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि वह नीचे गिरने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें एक विश्वास, एक भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए। मेरे दुख के समय पर, मेरे रोग के समय पर मेरे साथ रहने वाला है मेरा ईश्वर। अगर हमें वह विश्वास है तो हम ईश्वर को प्यार करेंगे, अगर हम ईश्वर को प्यार करेंगे तो ईश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाएगा। और आज का तीसरा संदेश है कि हमारे जिंदगी द्वारा हमें ईसा मसीह को दिखाना है। आज के सुसमाचार में हमने देखा है कि निकोदिमुस, उन्होंने अपने जिंदगी द्वारा दूसरों के सामने ईसा मसीह को प्रकट करने के लिए असमर्थ हो गया है। लेकिन आज हमें ईश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि हमारे कदनी द्वारा, करनी द्वारा ईसा मसीह को दूसरों को देने की कृपा मिलने के लिए। हम सब लोग ईसाई है, ईसा मसीह को हमारे रक्षक के रूप में स्वीकार किया है और वह ईसा मसीह दिखाए हुए रास्ते से होकर हमारे कदनी द्वारा, करनी द्वारा ईसा मसीह को दूसरों के सामने प्रकट करना हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। अगर हम वह जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो हम एक ईसाई, एक सच्चा ईसाई नहीं बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे हमारे विश्वास को प्रकट करने के लिए। ईश्वर ईसा मसीह द्वारा दिया गया सहायक है पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। मैं यहाँ बैठे हुए आप सबों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप आपके दुख के समय, परेशानियों के वक्त पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं या नहीं? क्या आपने आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव पर पवित्र आत्मा को भूल जाते या नहीं? हम सब लोग वह पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं, हमारा सहायक को भूल जाते हैं, वह सहायक के मदद मांगने के लिए हम भूल जाते हैं, हमारे दुख के समय पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा दिखाए हुए रास्ते से हमारे जिंदगी आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वह पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहने वाला ईश्वर है। हमारा विश्वास पवित्र आत्मा की मदद से हमें प्रकट करना चाहिए। हमें मालूम है कि गेहूं के दाना मिट्टी पर गिरकर कीचड़ से मिलकर अपने आप को सड़ने नहीं देता, तो उसमें से कुछ फल उत्पन्न नहीं होता।
अगर सड़ने देता है तो वह बहुत सारा फल को उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम हमारे विश्वास के प्रति मरने के लिए तैयार हो जाना है। हमारे विश्वास के प्रति हमारे समय को, हमारे ताकत को, हमारे पैसा को सब जब हम दूसरों के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी हमें बता सकते हैं कि मैं ईश्वर राज्य के लिए जी रहा हूँ। और विशेष रूप से हम आज के पूजा बलिदान में सुसमाचार के अनुसार संत की विदाने की कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन तीन बातों को हम हमारे मन में रखेंगे। ईश्वर से विश्वास करना है, जिंदगी के किसी भी हालत पर विश्वास नहीं छोड़ना है। दूसरा है, मुझे ईश्वर को प्यार करना। अगर मैं ईश्वर को प्यार करेंगे तो जरूर मैं ईश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की कृपा से स्वर्ग राज्य के लिए मैं जीवूंगा। मेरे जिंदगी द्वारा, मेरे कदनी द्वारा मैं ईसा मसीह को दूसरों के सामने प्रकट करूंगा। यह तीन निर्णय हमारे जिंदगी में आज हम लेंगे और विशेष रूप से ईश्वर से कृपा मांगेंगे, ईश्वर के एक सच्चा चेले बनकर इस धरती पर जीने के लिए। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है। तू अपनी शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से अनंत जीवन